अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे जी सहरी की प्रेपरेशन हो रही है और सहरी में हो रहा है जी ज़बरदस्त किस्म का, जहाँ पे पराठा तैयार हो रहा है। स्टफ़ पराठा है, पोटैटो है और उसके साथ चीज़ है। और ये सहरी में लें तो आपका जो दिन है ना बहुत ही ज़बरदस्त गुजरेगा, एनर्जी जो है वो आपकी बिल्कुल डाउन नहीं होगी। और इसके साथ लस्सी भी लाजमी ले लें या पानी लाजमी लें ताकि प्यास वगैरह जो है वो दिन में ना लगे। तो यहाँ पे जी मैंने पोटैटो जस्ट सिंपल बॉईल किए हैं और इसमें मैंने बेसिक से स्पाइसेस ऐड करने के बाद जो है इसको मैंने बेल के इस पर फिर मैंने चीज़ ऐड की थी। चीज़ मैंने मोज़रेला ली थी और उसको जस्ट मैंने खुद ही श्रेड कर लिया था। और बस अब ये पराठा जो है बहुत ही मज़े का प्रिपेयर हो रहा है। और यहाँ पे मौसम देखें जी, और 3 W's आर वेरी फेमस इन यूरोप, वुमेन वर्क एंड वेदर, एंड ऑल थ्री आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, सो इट्स रियली ट्रू। यहाँ पे वेदर देखें, लास्ट वीक वेदर जो था बहुत ही ज़बरदस्त था और डेली सनराइज हो रहा था, लेकिन आज जब मैं सहरी के बाद नमाज वगैरह पढ़ी तलावत कुरान पाक के बाद, जब मैंने विंडो ओपन की शटर ओपन किया तो देखा तो सीन ही यहाँ पे चेंज था। और आई वाज रियली सरप्राइज, क्योंकि मैं यहाँ जब से आई हूँ ना तो मैंने अप्रैल में यहाँ पर स्नो फॉलिंग नहीं देखी, लाइक विंटर में होती है, लेकिन अप्रैल में लास्ट वीक जैसे मौसम इतना प्यारा हो गया था और बहुत ही एक स्प्रिंग की और समर की फीलिंग आ रही थी, तो उस दौरान में ये एकदम से जो चेंज है और फिर अब बहुत से एकदम जैसे लगता है विंटर दोबारा स्टार्ट हो गया, तो बस वही इस किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का कशेरा प्रिपेयर हो रहा है। इसके लिए मैंने जस्ट चार चीज़ें ली थी, 4 इंग्रेडिएंट्स से गाजरें, दूध, चीनी और इसके साथ व्हिप क्रीम ली थी। तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत डिलीशियस, सो ये मैंने जो है प्रिपेयर किया था। और इसके साथ मैंने जो है वो बॉल में प्रिपेयर किया अपने जो नेबर्स से, यहाँ पे जो कि फैमिली में फ्रेंड है, तो मैंने कहा उसको भी मैं दे आऊँ। सो ये उनका मैंने गार्निश किया था, लेकिन अपना जो है मैंने नहीं किया क्योंकि बच्चे जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाइक नहीं करते ऐसे मीठा वगैरह पे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं किया था। तो बहरहाल जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बना था। और उसके बाद जो उसने मुझे ये सेकेंड डे जो है उसने मुझे ये जब रिटर्न किया, तो ये बीच में जो है हमारा ट्रेंड होता है ना पाकिस्तान में, कुछ खाना वगैरह आ जाए तो बर्तन खाली नहीं देने, ज़रूर कुछ ना कुछ बना के या डाल के आप लोगों ने देना है। सो यहाँ पे जो है सेमोलिना का यहाँ पे कोई डेजर्ट वगैरह प्रिपेयर हुआ था और बहुत ज़्यादा मीठा था, बहुत ज़्यादा मीठा था, लेकिन बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पे जी मैं कबाब वगैरह जो हैं ये फ्रीज हैं, तो मैं इनको जो है वो अब पैकेट्स वगैरह में इस तरह से बना के डाल रही हूँ। और ये चिकन कबाब थे और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े के ये भी बने। और ये यूँ सारी रमज़ान के जो प्रेपरेशन हैं उन्हीं में से ये एक था। तो यहाँ पे जो मैं अब इसको कर रही हूँ, मैंने कहा ज़रा दूसरी तरह जो है फ्रिज में स्पेस वगैरह का इशू था, और तो यहाँ पे बस अब इनको मैं जो है वो डाल रही हूँ। और ये जी शाम में डिनर में इफ्तार में जो है मैंने यहाँ पे कबाब कढ़ाई बनाई थी, यहाँ पे मटन कबाब जो है ये मैंने उसके मटन के बनाए थे और कबाब कढ़ाई बनाई थी, और इसके साथ जो है समोसे फ्राई कर लिए थे, चाट थी। तो ये जो है सिंपल इफ्तार प्रिपरेशन थी। और यहाँ पे जी समोसा फ्राई हो रहे हैं, होममेड समोसा हैं, थोड़े से बीच में जो है वो बेचारों की शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो बहरहाल ये मैंने उसी टाइम मतलब फ्रेश बनाए थे। और इस दफ़ा मैंने उस तरीके से कोई ख़ास जैसे कहते ना बहुत ज़्यादा कोई लाइक प्री प्रेपरेशन वाला रमज़ान की जो खाने वाला बना बना के फ्रीज कुछ ऐसा सीन नहीं था, तो मैंने कहा चले इस दफ़ा तो हस्बैंड भी घर पे हैं और फिर जब कुछ खाना हुआ तो कुछ कुछ बना लेंगे, सो मैं भी घर पे, हस्बैंड भी घर पे, तो जॉब वगैरह से ऑफ, तो मैंने कहा ये तो उस सूरत में जब कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हैं या इस तरीके से टाइम नहीं है तो
अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मैनेज हो जाता है और बहुत ही मज़े की समोसा चाट प्रिपेयर हुई थी। और यहाँ पे जी चाय जो है वो तैयार हो रही है, और नमाज तरावी के बाद चाय तो हम लोग मस्त पीते हैं हम दोनों। सो यहाँ पे मैं चाय प्रिपेयर कर रही हूँ, और यहाँ पे पीछे की जो है टी यूज़ कर रही हूँ। वैसे टपाल की भी यूज़ किया है, लेकिन मुझे उसका उस तरीके से यहाँ पे कोई टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो पीजी की यूज़ कर रहे हैं। और बस बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की चाय प्रिपेयर हो रही है, और इसके साथ ये जो है केक रस ये लेंगे और बस फिर इन्जॉय करेंगे और क्या। तो चाय का तो ये होता है, जब तक उसको सही तरीके से बार 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 आप उसको पकाएं ना, हिलाएं ना, और उसको छेड़छाड़ ना करें, तब तक आपकी चाय जो है मज़े की तैयार नहीं होती। शहरी में ये होता है कि हम लोग मोस्टली लस्सी वगैरह ले लेते हैं, तो इस टाइम नमाज तरावी के बाद चाय जो है इसलिए मस्त होती है। और चाय तो पी लें तो ज़्यादा तबीयत आपकी जो है वो एकदम से एक्टिव हो जाती है, और जो दिन भर की एक थकावट सी आपको फील होती है वो नहीं रहती, और आप नेक्स्ट डे के लिए अच्छे से प्रिपेयर होते हैं। सो यहाँ पर चाय जो है प्रिपेयर हो चुकी है, और बस अब इसको पोर करूँगी मैं। और आप लोग बताइए, आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं? हमारा तो यहाँ पे माशाल्लाह मौसम बताया जैसे चेंज हो गया, एकदम से मौसम ठंडा हो गया। सो रोज़ा जो है इतना लेंथी फील नहीं होता, और दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप लोग अपना ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में बताइएगा कि आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो भी कोई पॉजिटिव सजेशन है, कोई फीडबैक है तो उसका इंतज़ार रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। पंजाबी का प्रवोप याद आ गया कि जिथे चाह नहीं उथे चाह की करनी है, तो यहाँ पे एक चाह जो है वो चाहत की बात हो रही है, कि जहाँ पे चाहत नहीं है तो वहाँ चाय पीने का क्या फ़ायदा। चाय भी वहीं भी अच्छी लगती है जहाँ पे चाहत हो, मोहब्बत हो, रिश्तों में मिठास हो, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखें जी, मैं जो केक रस को उसको डुबो डुबो के खा रही हूँ, ये भी हमारा जी कहरे के ट्रेडिशनल स्टाइल है, देसी स्टाइल है। जब तो कुछ उसको जो है वो डिप करके खाएं ना तो मज़ा ही नहीं आता। सो यहाँ तक मेरी वीडियो है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपना अपनी फैमिली का, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।